पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से कराची में जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। तफसील अरिबा जीशान से। जॉब फेयर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जॉब फेयर का मकसद मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों की सलाहियतों को बरोएकार लाने के अलावा रोजगार के मौके पैदा करना है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के पैट्रन इन चीफ रमेश कुमार का कहना था कि नौजवानों के लिए जॉब मेला इनके मुस्तकबिल के लिए नई राहें खोलेगा। यहाँ पे बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है कि अच्छे बच्चों को अच्छे एम्प्लॉयर मिलेंगे और एम्प्लॉयर को अच्छे बच्चे मिलेंगे। जॉब फेयर में शरीक तलबा तालबात का कहना था कि जॉब मेले से इन्हें अपने मुस्तकबिल का तयन करने में आसानी होगी। स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ऐसे जॉब फेयर्स होने चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इस बार जॉब फेयर की सबसे बड़ी बात और बेहतरीन बात जो हमें लगी वो यही है कि यहाँ पर पब्लिक के साथ प्राइवेट सेक्टर भी नुमाया है। ये बहुत अच्छा एक्सपो है, ऐसे एक्सपो मेरे ख्याल से हर 6 मंथ के बाद लगने चाहिए। आर्मी का यहाँ पे स्टॉल है और पर्सनली मुझे आर्मी में जाने का बहुत ज्यादा हमेशा से शौक रहा एंड आई एम होपिंग कि वहाँ से मुझे जॉब के लिए इंटर्नशिप के कहीं से भी कोई कॉल आ जाए। जॉब फेयर में पाक आर्मी, नेवी, एंटी नार्कोटिक्स, नादरा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सिंध पुलिस और दीगर सरकारी और निजी इदारों के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए थे। मुलाजमत के ख्वाह तलबा को मौजूदा जॉब मार्केट के जदीद रुझान से रोशनास कराने के लिए ये जॉब फेयर मावन साबित होगा। अरीबा जिशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवामी